हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन इन जोग्राफी ऑप्शनल क्लासेस तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिकली पेपर टू इंडियन ज्योग्राफी एंड आज थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है जिसके कारण से लाइव uh, नहीं किया जा रहा है एंड कंटेंट मोरलेस हम लोग जो लाइव में डिस्कस करते हैं मोरलेस वही चीज़ें रहेंगी एंड इट विल इट विल बी प्रीमियर्ड तो प्रीमियर हो जाएगा तो आप जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में या आप लोगों को डाउट होते हैं तो आप साथ ही साथ पूछ सकते हैं एंड आई विल बी देयर टू आंसर दोज क्वेश्चन ठीक है तो जो भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है तो आप बगल में कमेंट सेक्शन में पूछते रह सकते हैं और उसको आंसर किया जाएगा फटाफट फ़ड़ शुरू करते हैं स्टार्ट करने से पहले कुछ कोर्सेज हैं लाइक वन सेकेंड या सो दीज आर कोर्सेज लाइक एडवांस जोग्राफी एंड टेस्ट सीरीज़ सो इंटरेस्टेड वंस कैन एनरोल्व फॉर दीज कोर्सेज एंड फॉर मोर डिटेल्स अगेन यू कैन ड्रॉप एन ई मेल ऑन एट जी मेल डॉट कॉम इसके अलावा आप जी एस के कोर्सेज के लिए और टेस्ट सीरीज़ के लिए भी इनरॉल कर सकते हैं सिलबस वाइज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट वी हैव मोरलेस कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द सेक्शंस हमारा ये दो टॉपिक जो है वो बच गया था तो इसको फटाफट हम लोग क्लियर कर लेते हैं डिस्कस कर लेते हैं सो so, हम लोगों ने हिस्टोरिकल और ये इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर ही लिया था तो यहाँ पर कुछ खास डिस्कशन करने को है नहीं एंड uh, फटाफट हम लोग आगे चलते हैं और अपने लास्ट डिस्कशन पर आते हैं सीधे पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड पॉपुलेशन जो पॉलिसीज़ है ठीक है सो so, पहले हम लोग थोड़ा पॉपुलेशन पॉपुलेशन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं देखिए पॉपुलेशन प्रॉब्लम के बारे में अगर आपको डिस्कशन करना है सो so यहाँ पर आप इजिली कैटेगराइज़ कर सकते हैं जैसे कि कुछ पॉलिटिकल इशू को लेकर के आप डिस्कस कर सकते हैं लिख सकते हैं पॉलिटिकल इसके अलावा आप इकोनॉमिक वाइज भी लिख सकते हैं इकोनॉमिक वाइज़ सोशल वाइज़ लिख सकते हैं सोशल वाइज ठीक है इसके अलावा अगर आप और कैटेगराइजेशन करना चाहते हैं ज्योग्राफिकल वाइज तो भी कर सकते हैं ज्योग्राफिकल ठीक है तो मेनली ये चार डिस्कशंस आप कर सकते हैं सोशल में अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा से और डिवीज़न कर लग सकते हैं जैसे कि कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइक जेंडर और हेल्थ या फिर आप एजुकेशन इन तीन कैटेगरीज में आप डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं अब देखिए अगर पॉपुलेशन होगी अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट देयर विल बी प्रॉब्लम इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल तो इस कारण से यहाँ पर थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम आ सकती है तो रिप्रेजेंटेशन का एक यहाँ पर इशू हो सकता है सेकेंड थिंग हो सकती है कि देर विल बी कॉम्पटिशन एंड दिस कॉम्पटिशन कैन लीड टू इशूज़ ऑल्सो सो अगेन जो है यहाँ पर पोलिटिकल इशूज़ क्रिएट हो जाएंगे देयर विल बी प्रॉब्लम इन अमंग द ग्रुप्स तो कम्यूनल क्लैश भी आप लिख सकते हैं कम्यूनल क्लैश तो ये भी कहीं ना कहीं जो है वो पॉपुलेशन से ही रिलेटेड है ठीक है और जैसे क्या है कि अलग अलग रिलीजन वाइज भी अगर आएंगे हालांकि वो सोशल में आ जाएगा यू कैन डिवाइड इट रिलीजन आल्सो सो रिलीजन वाइज अगर आप देखेंगे तो हर एक रिलीजन की अलग अलग प्रोफेसीज हैं जैसे कि अगर कैथोलिक्स की बात करेंगे तो दे प्रिवेंट कंट्रासीप्टिवस सिमिलरली इस्लाम में भी दे आर प्रिवेंटिंग कंट्रासेप्टिवस एंड वही अगर बात करेंगे हिंदुज़म या बाकी चीज़ों में तो वो काफ़ी हद तक पॉपुलेशन प्लानिंग करते हैं सो so यहाँ पर भी जो है अगेन पॉपुलेशन को लेकर के देयर मे बी सम इश्यूज़ तो इसको भी एक लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है इसके अलावा देखिए पॉपुलेशन ये एक ऐसा इशू है जो कंकरेंट लिस्ट में है सो so कंकरेंट में होने के कारण से अगेन सेंटर स्टेट में भी क्लैशेस आ सकते हैं सो देयर कैन बी वन रीज़न ऑल्सो ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है इकोनॉमिक वाइज आएंगे तो सीधे सीधे आप यहाँ पर माल्थस की थ्योरी को उठा सकते हैं माल्थस की थ्योरी को लिख दीजिए कि हाँ ठीक है इकोनॉमिक uh, वाइज और इकोलॉजिकल वाइज बोर दोनों ही सेंस में आप इमालथस को लिख सकते हैं कार्ल मार्क्स को लिख सकते हैं कार्ल मार्क्स ने भी कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को बताया था ऑल दो यहाँ पर भी पॉपुलेशन को लेकर के प्रॉब्लम होगी सो दैट इज़ द थिंग ठीक है बाकी जेंडर वाइज तो खैर आप लोग जेंडर हेल्थ एजुकेशन ये सब तो ईजिली लिख ही सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है सो so, मोरलेस यही सारी प्रॉब्लम्स हैं जोग्राफी वाइज आप लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि देयर मे बी अ प्रॉब्लम ऑफ द रीजनल डेवलपमेंट रीजनल डेवलपमेंट को लेकर के एक इशू आ सकता है देखिए अगर कोई भी टॉपिक है पॉपुलेशन का तो पॉपुलेशन को हमेशा आपको सेटलमेंट के साथ में लिंक करना है इंडस्ट्री के साथ में लिंक करना है ट्रांसपोर्ट के साथ में लिंक करना है और मोर इम्पॉर्टेंटली इन सब चीज़ों को आपको रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग से लिंक करना है तो ये सारे के सारे आपके पॉपुलेशन प्रॉब्लम या फॉर पॉपुलेशन के इश्यूज से रिलेटेड डिस्कशन हो सकता है क्वेश्चन जो आएंगे बहुत ही स्ट्रेट uh, फॉरवर्ड बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे एंड ईजिली uh, आप उसको लिख सकते हैं बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि कुछ कुछ जो मॉडल्स हैं जो थ्योरीज हैं रिलेटेड विद द पॉपुलेशन आपको ये केयर करना है कि वो कोई भी मिस ना हो क्लियर अब हम लोग चलते हैं जरा पॉपुलेशन पॉलिसीज़ के बारे में बात कर लेते हैं हालांकि देखिए जितनी भी पॉपुलेशन पॉलिसीज़ है ये आपका इंडियन सोसाइटी का टॉपिक होता है इंडियन सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी में काफ़ी डिटेल में पढ़ाई मोस्ट पॉबली आप लोगों ने किया होगा एंड uh, यहाँ पर क्या है कि आपको फ़ाइव ईयर प्लान्स के बेसिस पर डिस्कशन मतलब कि सिलेबस में तो यही लिखा है कि फ़ाइव ईयर प्लान्स के बेसिस पर ही आप चीज़ों को लिखते हैं मतलब कि अगेन uh, चीज़ों को बनाते हैं पॉपुलेशन uh, पॉलिसीज़ को देखते हैं एनालाइज़ करते हैं सो दैट इज़ द थिंग लेकिन जोग्राफी में हमें uh, इतना नहीं लिखना होता है बेसिकली आपको एक पॉलिसी जाननी होती है दैट इज़ ऑल ठीक है क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू एनालाइज द थिंग विद रिस्पेक्ट टू द जोग्राफी नॉट विद रिस्पेक्ट टू द सोसाइटी बिकॉज सोसाइटी इज अ पार्ट ऑफ जी एस सेक्शन और यहां पर आपका जियोग्राफिकल सेक्शन है तो आपको कोर जोग्राफी लिखनी होती है तो आपको केवल और केवल पॉलिसी जानना होता है जब एक बार पॉलिसी जान लेंगे तो फिर आप ईजिली एनालाइज कर सकते हैं अगर देखें पॉपुलेशन पॉलिसीज uh, को लेके 17.6 पॉइंट परसेंट डीकेटल ग्रोथ फॉर इंडिया इज नॉट सस्टेनेबल बिकॉज सिंपल सी बात है वी हैव वेरी लेस जियोग्राफिकल एरिया 2.4 परसेंट ऑफ द टोटल फुल अर्थ की बात करें तो हम लोग 2.4 परसेंट ही केवल हैं अकॉर्डिंग टू द लैंड रिपोर्ट इंडिया विल हैव अ पीक पॉपुलेशन इन 2050। हालांकि कई लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग रिपोर्ट दी है कोई 2045 बोलता है कोई 2027 बोलता है कोई 2050 बोलता है सो so, कोई दिक्कत नहीं है यू कैन अगेन टेक एनी ऑफ दैम और अगर आपको क्लियरली पता है कि किसने क्या कहा है तो अगेन वो सोने पर सुहागा हो जाएगा तो आफ्टर दैन द पॉपुलेशन विल डिक्रीज एंड एट द स्टार्ट ऑफ ट्वेंटी वन हंड्रेड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल बी वन पॉइंट जीरो नाइन बिलियन अब क्वेश्चन ये होगा कि आखिर में ये चीज़ जो बोली जा रही है ये जो या जो थ्योरी बोली जा रही है हाउ वी कैन डिफेंड दिस सो यू कैन ईजीली ड्रॉ द जो डेमोग्राफिक पिरामिड होता है उसको आप बना करके दिखा सकते हैं कि दिस इज द बर्थ रेट एंड दिस इज डेथ रेट एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स वॉट विल बी पिरामिड ऑफ द इंडिया उसके बेसिस पर आप बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है दिस में बी द प्रिडिक्टेड लाइन फॉर द डेमोग्राफी ऑफ इंडिया क्लियर हो गया इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो पॉपुलेशन पॉलिसी अपनी अनाउंस किया था नाइनटीन में पहली थी ठीक है 52 की जो पॉलिसीज है उनको देख लीजिए ट्राई टू इन्फ्लुएंस द रेट एंड पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन द डिजायरेबल डरेक्शन अपने हाथ में लेने की कोशिश की जा रही थी बर्थ रेट और डेथ रेट को स्लो डाउन अच्छा एक प्रॉब्लम ये थी शुरू में कि माइग्रेशन को ये लोग इंटीग्रेट मतलब माइग्रेशन को ज़्यादा समझ नहीं कर रहे थे माइग्रेशन को नहीं देख रहे थे इनफैक्ट माइग्रेशन की जो ये पॉइंट है जो इशू है ये इंदिरा गांधी के टाइम में जा करके फिर आइडेंटिफाई हुआ था और तब पता चला था कि अच्छा ठीक है बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर नॉट द ओनली कल्परेट्स एंड देर इज अगेन अ बिगर कल्परेट दैट इज माइग्रेशन सो वी हैव टू अगेन डू समथिंग फॉर द माइग्रेशन थिंग बट अल्टीमेटली वो हमारे हाथ में नहीं रहती है पीपल डू माइग्रेट बिकॉज ऑफ़ द फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल दैट ठीक है स्लो डाउन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ थ्रू द प्रमोशन ऑफ वेरियस बर्थ कंट्रोल मेजर्स अब यहाँ पर बर्थ कंट्रोल मेजर के कई सारे तरीके हो सकते हैं कंट्रासेप्टिव भी हो सकती है वैसक्टामी भी हो सकती है कुछ भी हो सकती है एनी थिंग इंप्रूव पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड भाई पब्लिक स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली दे विल नॉट मल्टीप्लाई ज़्यादा नहीं मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज सर्वाइवल ज़्यादा अच्छे से रहेगा इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट पॉपुलेशन हेल्थ तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी और ये एक बेसिक आप पॉलिसी बोल सकते हैं कि शुरुआत में ऐसी बेसिक चीज़ें बनाई गई थी क्लियर आगे अगर देखें तो 2020 की मतलब कि 2000 की नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी जो कि इनफैक्ट अभी भी यही चल रही है सो so अगेन इसके भी पॉइंट्स को आप देख लीजिएगा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू द फोर्टीन ईयर एज ताकि एटलीस्ट लोगों को बच्चों को अवेयरनेस आ जाए क्या चीज़ें हैं ठीक है इनफैक्ट यहाँ पर अब तो सेक्शुअल एजुकेशन को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है ताकि बच्चों को एटलीस्ट अब जो बेसिक चीज़ें हैं इनफैक्ट द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी वो पता चलते रहें इनफैक्ट सेक्शुअल थिंग एंड द एथिक्स दीज टू थिंग्स आर देयर जो कि बच्चों को बचपन से ही बताना ज़रूरी होता है अब जैसे फैमिली के बारे में बात करेंगे जो मदर फादर होते हैं वो तो जितनी भी रिलीजियस वैल्यूज़ होती हैं या फिर जो सोशल वैल्यूज़ होती हैं वो तो सिखा देते हैं लेकिन इसके अलावा जो बाकी एथिकल चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं फैमिली सिखाने में नहीं साबित हो पाई है उस कारण से ही जो है बच्चों में प्रॉब्लम्स एथिकल प्रॉब्लम्स जो है वो निकल करके आ रहे हैं तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने अपने एजुकेशन पॉलिसीज़ के थ्रू एथिकल स्टडीज़ को प्रमोट किया है कि हमें एथिकल स्टडीज़ को प्रमोट करना चाहिए रिडक्शन ऑफ इन्फेंट मोटेलिटी रेट बिलो थर्टी पर थाउजेंड लाइफ बर्थ रेट इनफैक्ट ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की भी गोल है अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट ऑल डिसीजेस इसको लेकर के ही आई सी डी एस प्रोग्राम लॉन्च किया गया है दिस इज आई सी डी एस प्रमोटिंग डिलेड मैरिज और इसके लिए भी अगेन लॉ मेकिंग वगैरह की जाती रही है इनफैक्ट अभी प्रपोजल आ रहा है कि वी शुड हालांकि प्रपोजल बड़ा उल्टा उल्टा, उल्टा है कि वी शुड लोअर द एज ऑफ द गर्ल फॉर मैरिज अब जो भी हो खैर इसमें देखने वाली बात है क्या है हालाँकि रिकमेंडेशन uh, तो ये है कि ट्वेंटी वन ईयर कर दिया जाना चाहिए लड़कियों की ट्वेंटी फाइव ईयर लड़कों की लेकिन अगेन दिस इज रिकमेंडेशन ओनली एंड अगेन इस पर देखना पड़ेगा क्या चीज़ें हैं ठीक है गवर्नमेंट क्या करती है आगे मेकिंग फैमिली वेलफेयर पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम ये बनाने की जरूरत है इसके अलावा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 थाउजेंड आइडेंटिफाई किया था एड एज वन ऑफ द मेजर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो 14 ईयर से ईयर के बीच में होते हैं बेसिकली या 16 ईयर से ईयर के बीच में आप बोल सकते हैं एडलिस होते हैं ये मेजर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन होती है जिन पर स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत होती है बिकॉज दे आर टीन एंड काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट जो है वो टीन करते रहते हैं जैसे कि सेक्शली ट्रांसमिटेड डिसीजेज और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स अनवांटेड प्रेगनेंसी एजुकेशन ऑफ एडलेसेंट अबाउट द रिस्क ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स मेकिंग कंट्रासेप्टिव सर्विसेज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल प्रोवाइड फूड सप्लीमेंट एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज एंड स्ट्रेंथन लीगल मेजर्स टू प्रीवेंट चाइल्ड मैरिज तो ये सारी चीज़ें हमें जो है काफ़ी हद तक ध्यान देने की ज़रूरत है एंड ये सब ये सब पॉइंट्स थे बेसिकली जो फोकस किए गए थे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी टू थाउजेंड के दौरान में जो इससे पहले नहीं थे मेन पर्पज़ क्या है हमारे इस पॉपुलेशन पॉलिसी का मेनली हमें हेल्थ एक्सपेंडिचर को इनक्रीज़ करना है वन पॉइंट वन फाइव परसेंट टू पॉइंट फाइव परसेंट तक इनफैक्ट हम लोगों ने काफ़ी हद तक किया भी है वी हैव लॉन्च वन आयुष्मान भारत प्रोग्राम विच इज़ डूइंग वेरी वेल तो आयुष्मान भारत प्रोग्राम के तहत भी चीज़ें चल रही हैं इसके अलावा आई प्रोग्राम है इसके अलावा महिलाओं के लिए भी काफ़ी हद तक मैटर्निटी बेनिफिट्स और मैटर्निटी स्कीम्स चलाए गए हैं जिसको लेकर के काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छी चल रही हैं ठीक है मातृत्व सहयोग योजना या फिर जननी सुरक्षा योजना ये सब काफ़ी हद तक जो है स्कीम जो है वो सक्सेसफुल साबित हो रही हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है सेवेंटी पर चली गई है टी जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल है अब और अभी भी इस पर काम चल ही रहा है अंडर फाइव मोर्टैलिटी रेट जो है ट्वेंटी थ्री आ गई है इनफैक्ट दीज आर दीज आर एक्सपेक्टेड और टारगेटेड थिंग्स यू कैन से न्यू नेटल को सिक्सटीन लाना है बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फ़ाइव एक्सेस टू सेफ वाटर एंड सैनिटेशन बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फ़ाइव और ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी लिखी गई हैं इनफैक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ही पूरा करने के लिए ये सारे टारगेट्स जो हैं वो बनाए गए हैं सो कीप इन माइंड ऑल द टारगेट्स इट दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू इन दिस जोग्राफी बट ऑल्सो इन एस ए और जी एस सेक्शन में भी इक्वली हेल्प करेगा तो इसको ये सब सुपर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके दिमाग में एकदम बसा होना चाहिए रात में अगर आपको uh, सो रहे हैं और अगर आपको उठा दिया जाए पूछा जाए बताओ नियो न्यूटल क्या है तो आप बता न, आप बता सकें ऐसा ये आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए पीपल आर द नेशन्स मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स सिंपल सी बात है बिकॉज ऑफ द स्किल एंड ऑल दैट वेल एजुकेटेड एंड हेल्दी पॉपुलेशन जो होती है काफ़ी जरूरी होती है दिस गिज द पोटेंशियल पावर नाइनटीन नाइन्टी वन में अगर बात करें तो टी एफ आर काफ़ी ज़्यादा था उसको अब कंट्रोल कर लिया गया एंड नाउ इट इज़ नियर अबाउट टू पॉइंट थ्री हेल्थ इंडिकेटर के बारे में बात करें दिस इज द लास्ट प्रॉबली लास्ट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस हेल्थ डज नॉट ओनली मीन फिजिकल फिटनेस और फ्री फ्राम डिसीज बल्कि अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जैसे कि डिसीज में ही अगर हम देखें डिसीज़ में सो वी हैव टू टाइप ऑफ डिसीज़ एक है जो कम्युनिकेबल है जो कम्युनिकेबल है और दूसरी होती है जो नॉन कम्युनिकेबल है अब ये जो नॉन कम्युनिकेबल है बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है जैसे कि डायबिटीज़ हो गया या फिर ब्लड प्रेशर हो गया ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रही हैं और इनफैक्ट नई रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया अर्बन तो अर्बन रूरल में भी ये सारी प्रॉब्लम जो है काफ़ी हद तक बढ़ते जा रही हैं अरबन तो खैर अपने लेविश करकर के कारण से काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा ये न्यू दिस नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से आ, ग्रसित तो है ही लेकिन रूरल में भी ये अब बढ़ गया है रूरल में भी ये चीज़ें आ गई हैं बाकी कम्युनिकेबल तो खैर है ही लेकिन इसके लिए अच्छी बात ये होती है कि इसका क्योर मौजूद है इसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं लेकिन नॉन कम्युनिकेबल के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट बहुत ही कम है एंड ये ऐसी चीज़ है जो केवल और केवल अवॉइड करके ही सही की जा सकती हैं ठीक है हेल्थी पीपल आर मोर इफेक्टिव इन द वर्क एंड इंक्रीज द लॉन्गेविटी ऑफ द पीपल एंड रिड्यूस इन्फेंट एंड मेटर्निटी मोर्टेलिटी बाकी जो इंडिकेटर्स है तो वो तो हम लोग खैर पढ़ ही चुके हैं जैसे न्यूनेटल नेटल इन्फेंट मोर्टेलिटी चाइल्ड मोटैलिटी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सुसाइड रेट क्राइम रेट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेवल स्टेटस एंड डेटा ऑफ रिसोर्सेज तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर आप हेल्थ इंडिकेटर्स को डिस्कस कर सकते हैं सो दैट इज द थिंग इसके अलावा जो डिसीज़ेज़ है उनके बारे में हम लोगों ने देख ही लिया कि एक होता है जो कम्युनिकेबल होता है दूसरा होता है जो नॉन कम्युनिकेबल होता है ठीक है इनके बारे में हम लोगों ने देख लिया ज़्यादा कुछ खास देखिए डिस्कशन है नहीं मोरलेस जो होती है ये सारी वही पुरानी डिस्कशनस हैं घिसी पिटी और उन्हीं को आपको जोग्राफी में भी लिखना होता है तो फॉर द सेक ऑफ़ द कम्प्लीशन ऑफ द सिलेबस ओनली वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स बेसिकली इंट्रोड्यूस ही किया गया है और बाकी जो इसमें कंटेंट होती है वो तो आप खैर इंडियन सोसाइटी में पढ़े होते हैं तो मोरलेस चीज़ों वही लिखनी होती हैं बस थोड़ा मोड़ा आप जो है मॉडल्स और थ्योरीज डाल सकते हैं इस जोग्राफ़ी के अगर जोग्राफी में कोई क्वेश्चन आता है तो ठीक है सो दैट इज़ आर फॉर टुडे एंड बाकी अपने डाउट को आप रिका पर भेज करके पूछ सकते हैं अपने आंसर राइटिंग आंसर्स वगैरह भी भेज सकते हैं ठीक है और बाकी एडवांस जोग्रफी कोर्स या फिर जोग्राफी ऑफरल टेस्ट सीरीज़ के लिए यू कैन वॉच द वीडियोज़ Uh, जो कि यहाँ पर दिख रहे होंगे आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और uh, अब हम लोग शुरू करेंगे सेटलमेंट जोग्राफी का डिस्कशन uh, और इनफैक्ट क्लास क्लास में हम लोगों ने पोलिंग uh, uh, किया था और उसमें नौ बजे से लाइव सेशंस के बारे में बातें हुई थी सो so, अब से नौ बजे से ही डिस्कशन करेंगे बस आज कुछ इश्यूज़ थे जिसके कारण से नहीं डिस्कशन हो पाई है कोशिश करेंगे कल से वही नौ बजे से ही लाइव डिस्कशन करने की सो बी रेडी एट नाइन एंड विद पेन योर एंड पेपर ठीक है टिल दन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच